अब देखेंगे बच्चों फ्रेंकल दोष। जब किसी आयनिक क्रिस्टल में कोई धनायन अपना स्थान रिक्त कर अंतराकाशी स्थान में स्थापित हो जाता है तो इस प्रकार के दोष को फ्रेंकल दोष कहते हैं। क्या समझे बच्चे? कि किसी आयनिक क्रिस्टल में कोई धनायन अपने स्थान छोड़ देता है और अंतराकाशी स्थान, बताऊंगा अंतराकाशी स्थान क्या होता है, दोनों कणों के बीच में जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं ना, इसमें धनायन और ऋणायन के को जब टच करके वो एक क्रिस्टल संरचना बनाते हैं तो बीच में कुछ स्थान रिक्त होता है, उसी को रिक्त स्थान को बोलते हैं अंतराकाशी स्थान। तो यह दोष उन क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनके धनायन का आकार ऋणायन से काफी छोटा होता है। छोटा होता है तभी तो अंतराकाशी स्थान में आ जाता है। तथा समन्वय संख्या निम्न होती है, मतलब वो ज्यादा कण एक दूसरे को नहीं घेरे हुए होते, बहुत कम होती है। ठीक है, तो इसका चित्र समझ लेते हैं कि देखो ये होता है आपका अंतराकाशी स्थान। ये क्या है बच्चों? कणों के बीच में जो स्थान, खाली स्थान है, वो होता है अंतराकाशी स्थान। तो इस पूरे क्रिस्टल में से जिसमें धनायन और ऋणायन लगे हुए हैं, धनायन ने अपना एक स्थान रिक्त कर कहाँ गया बच्चों? अंतराकाशी स्थान के अंदर आ गया। तो ये जो दोष उत्पन्न होता है ये कहलाता है आपका कौन सा बच्चों? फ्रेंकल दोष। इस फ्रेंकल दोष का प्रभाव क्या पड़ता है बच्चों? देखो इफेक्ट क्या पड़ता है, इस दोष से क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि जो परमाणु है कम क्रिस्टल से हुआ ही नहीं है, बस उसने स्थान चेंज किया है, तो घनत्व तो सेम ही रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे क्रिस्टल विद्युत के चालक बन जाते हैं, ये बात सही है, बिना दोष के वो कुचालक होते हैं लेकिन विद्युत के फिर बन जाते हैं चालक। तो क्रिस्टल का परावैद्युतांक बढ़ जाता है। तो अगर कोई स्थान अपना चेंज करता है, अंतराकाशी स्थान में चला जाता है, तो परावैद्युतांक बढ़ जाता है, परावैद्युतांक पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण क्या है बच्चों आपके फ्रेंकल दोष के? एक है AgCl, AgBr और ZnS। और एक मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बता दूं कि AgBr ऐसा आयनिक क्रिस्टल है जिसमें शॉटकी और फ्रेंकल दोनों दोष पाए जाते हैं। कौन से दोनों बच्चों? शॉटकी और फ्रेंकल दोनों दोष पाए जाते हैं। और ये प्रश्न ज्यादातर पूछा जाता है आपका।